फेसबुक में साल डाल देंगे, सोना मच लीजिएगा। हम लोग जिंदगी के साथ नहीं किए है ना। हाँ हाँ, अब तुम लूटते, हम लोग तो जिंदगी बेपर दुखी है। शिक्षा संस्कार देती है, यही वजह है कि हर अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता है। अभिभावक ही नहीं, सरकार का भी यह प्रयास है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले। लेकिन दुमका जिला के गोपी कांदर प्रखंड के अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय का एक मामला देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, सोचने पर विवश हो जाएंगे, यह कैसा संस्कार है जो गुरु और शिष्य की परंपरा को तार तार कर रहा है। गोपी कांदर का सर ऐसे कर रहा है, वायरल करना हमको वीडियो, क्या क्या है? वायरल करना है हमको वीडियो, यही लोग मिला हुआ था। लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, पूरा पब्लिक को दिखाओ, पूरा देश दुनिया को दिखाओ। 10 लड़का फेल, 10 लड़का फेल हुआ है यहाँ से, 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है, प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हाँ ये होगा, ये किए हैं हम लोग, जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है। हाँ भुगतना होगा, तो क्या करते हैं सो क्लास के लड़का सबको पढ़ाने, तो बोला सर अभी हम लोग मीटिंग करेंगे। तो हम ठीक है, कोई मीटिंग होगा ये लोग कहते हैं, ठीक है कर लो। उसके बाद हम निकल गए, निकल गए तो हम बाहर में खड़े थे तो उधर से 30-40 लड़का आया और सबके लिए कुर्सी लगाया, हमको भी बुलाया कि सर आप भी आइए मीटिंग में, हम लोगों को भी आना है। हाँ, और उसके बाद उस रिजल्ट के बारे में बात शुरू की। टोटल सर स्कूल का ही छात्र था ना? हाँ। तो कौन सा क्लास का छात्र था सर, किस कारण आपके साथ मारपीट हुई? उन लोग का जैक का रिजल्ट 9 का खराब हो गया है, 10-11 लड़के का, उसमें प्रैक्टिकल का नंबर वो कहता है कि नहीं पढ़ा है। तो ये है मास्टर का काम है कि जो मैंने प्रैक्टिकल का नंबर दिलवाना और भेजना, उसी के पास आईडी कार्ड होता है, पासवर्ड होता है, सब चीज़ उसी के पास है। तो वो दिलाया नहीं और लड़के सबको बरगला दिया कि हम पहले थे तो मैंने हम लोग का रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, सब कुछ कर दिए थे, एडमिट कार्ड हम ही निकाले थे, हमारे दस्तखत से एडमिट कार्ड है। टीचर को पेड़ से बांध कर मारने का भी मामला सामने आया था, क्या सही है सर? हाँ, ये तो हम लोग नहीं देख पाए थे, जैसे सुनने में आया कि किया था, लेकिन हम लोग जब तक साक्षात्कार नहीं, हम लोग जब आए तब तक मामला शांत था, सब अपना अपना क्लास में या हॉस्टल में बच्चे थे। छात्रों का क्या आरोप है सर, किस आरोप को लेकर मारपीट की गई थी? छात्रों का आरोप तो इस हम पूछताछ किए कि हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर कम दिया था और इसकी जानकारी लेने गए तो हम लोग को धमका रहे थे। किस किस विषय पे सर प्रैक्टिकल का नंबर? प्रैक्टिकल का विषय का तो उन लोग नहीं किया है कि खाली बोला कि प्रैक्टिकल के नंबर हम लोग को छात्रों के अनुसार नंबर कम दिया है या नहीं दिया, इस तरह का आरोप है। और पूछने पर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसी के आक्रोश में उन लोग टीचर पर कुछ। पहाड़िया आवासीय विद्यालय में शिक्षक और छात्रों के बीच कुछ गतिरोध का मामला प्रकाश में आया था और उस गतिरोध के सूचना पर प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची थी, जिसमें कुछ अन्य मुद्दे भी उभर कर सामने आए और ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि जो छात्रावास है उसमें एक बार लोगों से बात की जाए, बच्चों से बात की जाए। और इसी दौरान जांच के क्रम में कुछ बच्चों के पास से मोबाइल वगैरह बरामद हुआ है, तो उस मोबाइल को हम लोग अभी अपनी अभिरक्षा में रखे हुए हैं ताकि इनके अभिभावकों को उसे सुपुर्द किया जा सके, इस हिदायत के साथ कि बच्चों को यहाँ पर मोबाइल नहीं उपलब्ध कराएं। मारपीट की बात सामने आई थी सर, क्या है उसमें? हम लोग जब आए उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं थी, इसके पहले छात्रों और शिक्षकों के बीच में कुछ गतिरोध की बात आई थी सामने, तो उस गतिरोध के निदान के लिए ही हम यहाँ पहुँचे हुए थे। बदलते हालात में 21वीं सदी के दौर में जब हम एक तरफ चांद पर नई दुनिया बसाने की बात करते हैं,
तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल आकर वही रुक जाता है, यह कैसा संस्कार? द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।